गाइस, मैं अगर आपसे सवाल पूछूं कि इंडिया का पहला ISO सर्टिफाइड प्राइवेट रेलवे स्टेशन कौन सा है, तो आप लोग क्या जवाब देंगे? प्राइवेट रेलवे स्टेशन, आज तक तो लोगों ने यही सुना था कि रेलवे स्टेशन तो कम से कम गवर्नमेंट के ही होते हैं या फिर गवर्नमेंट ही बनाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। इंडिया का पहला ISO सर्टिफाइड रेलवे स्टेशन भी है और वो है मध्य प्रदेश के भोपाल में, और जिसका नाम है हबीबगंज रेलवे स्टेशन। जी हाँ गाइज, याद कर लीजिए, हबीबगंज रेलवे स्टेशन। क्या पता बिग बी के साथ आप हॉट सीट पे बैठे हों और यही सवाल वो आपसे पूछ लें। गाइस, अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि दुनिया का सबसे महंगा पनीर कौन से एनिमल के मिल्क से बनाया जाता है, तो आप लोग क्या जवाब देंगे? मे बी कई लोगों का जवाब अच्छी नस्ल की गाय होगा, किसी का जवाब अच्छी नस्ल की भैंस होगा, किसी ने ऊंट जवाब दिया होगा, किसी ने बकरी जवाब दिया होगा, लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि इनमें से वो कोई भी एनिमल नहीं है। एक्चुअली दुनिया का सबसे महंगा पनीर डोंकी के दूध से बनाया जाता है। जी हाँ, डोंकी के दूध से, और उस पनीर का नाम है प्यूल, PULE, प्यूल। और डोंकी के दूध से बना हुआ प्यूल पनीर $600 पर केजी जितना महंगा है, यानी कि लगभग 42,000 रुपए पर केजी। ओह माय गॉड, क्या आपने इससे पहले इमेजिन किया था? गाइस, कई बार हमें हमारी जिंदगी में डिसीजन लेने में बड़ी दिक्कत आती है, हमें ये समझ ही नहीं आता कि हम दिल की सुने या दिमाग की। इन दैट केस मेरे पास एक बहुत ही सॉलिड तरीका है जिसे मैं खुद भी इस्तेमाल करता हूं। अगर आपको डिसीजन लेने में दिक्कत आए तो आप एक काम करिए, आप सिक्के को हवा में उछालिए। इससे पहले कि आप लोग पूछें कि ये क्या तरीका है, मैं आपको बता दूं कि आपको हेड और टेल से डिसीजन नहीं लेने। इनफैक्ट जब आप सिक्का हवा में उछालेंगे और जब वो सिक्का हवा में होगा, आपको तभी समझ में आ जाएगा कि आपको सच में क्या करना चाहिए और आपको ठीक वही करना है। है ना ये इंटरेस्टिंग फैक्ट? देश के लिए खेलने का या देश के लिए काम करने का मौका हर किसी को नहीं मिलता, और जिसको मिलता है वो बहुत ही किस्मत वाला होता है। और मौका मिलने के बाद इसे कैसे शिद्दत से निभाया जाता है, ये आप महेंद्र सिंह धोनी से भी सीख सकते हैं। ये बात है सन 2015 के वर्ल्ड कप की, जब इंडियन टीम ऑस्ट्रेलिया के साथ वार्म अप मैच खेल रही थी। अचानक से ही महेंद्र सिंह धोनी को पता लगता है कि उनके घर पे एक बेटी का जन्म हुआ है। किसी पत्रकार ने महेंद्र सिंह धोनी से पूछा कि क्या आप अभी भारत नहीं जाना चाहेंगे, तो महेंद्र सिंह धोनी का जवाब सुनके आपको गर्व महसूस होगा। उन्होंने कहा कि अभी मैं अपने देश का नेतृत्व कर रहा हूं, अपने देश की सेवा में हूं, बाकी चीजें इंतजार कर सकती हैं। गाइस, है ना ये इंटरेस्टिंग बात? महेंद्र सिंह धोनी के इस जवाब के लिए एक लाइक तो बनता है। मोबाइल से जब हम लोग पिक्चर्स क्लिक करते हैं तो उसमें बाय डिफॉल्ट एक शटर साउंड आता है। अब इंडियन मार्केट में बिकने वाले मोबाइल्स में तो हम लोग शटर साउंड को ऑफ कर सकते हैं, लेकिन जापानीज मार्केट में बिकने वाले मोबाइल्स में ऐसा कोई ऑप्शन होता ही नहीं है। उसके पीछे का रीजन ये है कि सन 1998 में जब पहली बार जापान में कैमरा मोबाइल को इंट्रोड्यूस किया गया, तो उसके अच्छे इस्तेमाल के साथ साथ उसके बुरे इस्तेमाल भी शुरू हो गए। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में लड़कियों की छिप छिप कर फोटोज खींचनी शुरू हो गई और वो वायरल होना शुरू हो गई। अब इसी से निजात पाने के लिए और अपनी जापानीज सभ्यता को बचाने के लिए वहां की कंपनीज ने डिसाइड किया कि कैमरा एक्टिविटी के साथ साथ कोई ना कोई साउंड जरूर होना चाहिए, और तब से लेके आज तक वो लोग इसे फॉलो करते हैं। वहां पर कोई भी मोबाइल बिकता है तो उसमें कैमरा के साथ शटर साउंड होता ही है और उसे ऑफ करने का कोई ऑप्शन ही नहीं होता। है ना ये इंटरेस्टिंग फैक्ट? क्या आपको इसके पहले तक इफेक्ट पता था? और अगर नहीं पता था तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि दुनिया का सबसे बड़ा टेंपल यानी कि मंदिर कहां पे है, तो आप लोग क्या जवाब देंगे? मे बी आप में से कई लोग इंडिया के बारे में सोच रहे होंगे, लेकिन एक्चुअली दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर इंडिया में नहीं है, वो है कंबोडिया में, जिसका नाम है अंगकोर वाट। अच्छा, दूसरा सबसे बड़ा मंदिर कहां पर है? अगर आप अभी भी इंडिया सोच रहे हैं तो अभी भी आप लोग गलत हैं, क्योंकि दूसरा सबसे बड़ा मंदिर नॉर्थ अमेरिका के न्यू जर्सी में है, जिसका नाम है स्वामी नारायण अक्षरधाम। हाँ, तीसरा सबसे बड़ा मंदिर जरूर इंडिया के तिरुचिरापल्ली में है। अब इसके बारे में डिटेल मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल की स्टोरी में आपको मिल जाएगी। ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।